यूपी के साथ बिहार में भी बच्चों को होने वाले वायरल फीवर ने दस्तक दे दी है, लेकिन पूर्वी चंपारण जिले की स्थिति अभी सामान्य है। किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहना है मोतिहारी सदर अस्पताल के अस्पताल प्रबंधक विजय झा का। दरअसल आज विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये खबर सामने आई कि वायरल फीवर को लेकर पूर्वी चंपारण जिले में स्थिति खराब हो रही है। जिले के सदर अस्पताल में दर्जनों बच्चे जो वायरल फीवर से ग्रसित हैं और उन्हें अस्पताल में पीको वार्ड में भर्ती किया गया है। इस मामले को लेकर जब हमारे रिपोर्टर मामले की जानकारी लेने पहुंचे तो वार्ड के लगभग सभी बेड खाली पड़े थे। कुछ एक बच्चे भर्ती भी थे तो वे कुछ अन्य बीमारी से ग्रसित थे। तस्वीर आपके सामने है। नहीं है, फीवर बोल के, हाई फीवर बोल के कुछ मरीज भर्ती हुए थे जिनको हम लोगों ने प्रॉपर ट्रीटमेंट करके अभी दोनों बच्चे हैं, ये सामने दोनों बच्चे अभी डिस्चार्ज हो रहे हैं और किसी तरह का कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। हम लोग पिकू वार्ड और चाइल्ड वार्ड में बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं, सभी इक्विपमेंट, सभी मेडिसिन, डॉक्टर्स, नर्सेज की टीम 24 घंटे यहाँ पर तैयार है। किसी तरह का कोई उस तरह का बहुत भयावह स्थिति या कुछ इस तरह का जो कहा जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ बच्चे आ रहे हैं फीवर, हाई फीवर लेके, लेकिन उनको ट्रीटमेंट करके हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।